हेलो गाइस, आई एम सैम खान, एक नए ट्यूटोरियल के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज हम सीखेंगे फोटोशॉप में किस तरीके से हम बुके लाइट इफ़ेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक इमेज ओपन करी, ये मेरे पास इमेज एक रखी हुई है बिल्डिंग्स की, ये इमेज मैंने ओपन की। उसके बाद अब मुझे इसको बुके लाइट इफ़ेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा ताकि मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर को कंपैरिजन कर सकूँ। तो इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल जे से भी कर सकते हैं हम, या तो लेयर उठा के हम इसके ऊपर लेयर के ऊपर रख सकते हैं तो हमारी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। इस लेयर को हमने सबसे पहले जिस इमेज को हमें बुके लाइट इफ़ेक्ट में कन्वर्ट करना है उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये आता है ब्लर गैलरी, तो ब्लर गैलरी के अंदर जाके हम फील्ड ब्लर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फील्ड इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसका ब्लर और इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये सही से ब्लर हो जाए। उसके बाद मुझे इसके अंदर जो लाइट्स हैं वो हाईलाइट तो नहीं हो रही हैं, लेकिन डोंट वरी अबाउट दिस, हमारे पास एक ऑप्शन ये है लाइट बुके का। तो जब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये देखें इसके अंदर लाइट्स जो थी हमारी वो विजिबल होना शुरू हो गई हैं। तो इसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है बुके लाइट का, बुके कलर। तो बुके कलर के अंदर हमारे क्या होता है कि जितनी भी हमारी कलर वाली लाइट्स होती हैं वो हाईलाइट्स हो जाती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर कि इस इमेज में ये ब्लू लाइट हमारी डिस्टर्ब कर रही है इमेज को, तो इसलिए मैं इसको अभी कैंसिल करता हूँ और सबसे पहले इसको फिक्स करता हूँ कि हमें अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब करे तो किस तरीके से हम उसको फिक्स करेंगे। मैंने इसको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद मैं कहीं बीच की इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से आई थिंक ये इमेज ले लेता हूँ। तो इसके सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल जे किया तो यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट बन गई। डुप्लीकेट को मैंने सेलेक्ट किया और इसके यहाँ पर इस इमेज को छुपा दिया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्म किया, मैंने इसको इमेज को छुपा दिया ताकि मेरी ये लाइट ब्लू लाइट डिस्टर्ब ना करे। इन दोनों को पकड़ के मैंने मर्ज कर दिया। कंट्रोल ई, कमांड ई इसकी शॉर्टकट है। इस इमेज को हमने दोबारा से सेलेक्ट किया और फिल्टर में गए। फिल्टर में जाने के बाद ब्लर गैलरी में, फिर फील्ड ब्लर में दोबारा से जाएंगे और ब्लर को इंक्रीज़ करेंगे। अभी हमारा 15 है तो हम इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे कि बिल्कुल छुप जाइए हमारा। तो उसके बाद लाइट बुके को हम इसको जब विजिबल करेंगे तो हमारा बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि हमने किस तरीके से जो यहाँ पैच लगाया था अलग से वो बिल्कुल मर्ज हो गया है। और उसके बाद फिर बुके कलर की लाइट्स को इसको ये देखें, जब मैं इसकी इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये कलर लाइट ज़्यादा ही हाईलाइट हो रही है। तो जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी हम उसको लेंगे, आई थिंक यहाँ पर बेस्ट है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, लाइट रेंज का। लाइट रेंज में क्या होता है हमारे पास, अगर मैं ब्लैक, इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट है, तो ब्लैक वाला पॉइंट वाइट के करीब जब मैं करता हूँ तो ये लाइट्स बिल्कुल हमारी डल हो जाती हैं, और जब मैं अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर ये लाइट ज़रूर से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हमें जितनी रिक्वायर्ड होगी, जितनी इमेज के हिसाब से जितना अच्छा लगेगा उतना ही हम लेंगे। यहाँ पर आई थिंक दिस इज़ नाइस, दिस इज़ ग्रेट। जी बिल्कुल, आई थिंक ये बिल्कुल सेट है। थोड़ा सा ब्लर करके देख लेते हैं कि ब्लर की ज़रूरत है या नहीं। जितनी अगर हमें स्पॉट्स अगर बिग चाहिए यहाँ पर तो हम इसका ब्लर और बढ़ा देंगे, और अगर छोटे स्पॉट्स चाहिए हमें लाइट्स के तो आई थिंक इतने ठीक है। हिट द ओके बटन, और जब मैं ओके करता हूँ तो उसके बाद ये हमारे ब्लर अप्लाई हो गया इस इमेज पर। तो ये देख लें, ये बिफ़ोर हो गया और ये आफ्टर, आफ्टर में हमें किस तरीके से हमारी बुके लाइट क्रिएट हो गई। अब हम इस पर कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से मैं फाइल में गया, प्लेस एम्बेडेड, यहाँ पर एक इमेज मैंने पहले से कटिंग करके रखी हुई है, ये इमेज को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए किस तरीके से हम लाइट के अंदर मर्ज कर सकते हैं। लेकिन इस इमेज की लाइट अलग है और पीछे वाली इमेज की लाइट अलग है, तो हमें इसको किस तरीके से फिक्स करना होगा। तो सबसे पहले मैंने ये इमेज सेलेक्ट की, उसके बाद यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में जाके कलर बैलेंस के अंदर जाऊँगा। मैं कलर बैलेंस को अगर मैं पूरे का ही यहाँ से छेड़ूंगा, यहाँ से मैं अगर कम ज़्यादा करता हूँ, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करूँगा तो हमारी पूरी इमेज पे अप्लाई होगा, लेकिन मुझे अप्लाई पूरी इमेज पे नहीं करना है।
मुझे सिर्फ इस इमेज के ऊपर करना है, तो इसलिए मैं इसको पेस्ट इनसाइड कर दूंगा इस इफेक्ट को। तो अब जब मैं इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूंगा तो ये सिर्फ इमेज पे अप्लाई होगा। ठीक, सबसे पहले हम मिड टोन में आए। मिड टोन में हमने इमेज के हिसाब से देखा कि हमारी क्योंकि ऑरेंज टोन ज़्यादा है कि इसलिए हम इस इमेज को ऑरेंज टोन की तरफ लेके जाएंगे। इसके अंदर से हमने रेड कम किया, येलो बढ़ाया, इसी तरीके से हम शेडो में भी जाएंगे। शेडो में भी हमने येलो इंक्रीज़ किया, थोड़ा सा ग्रीन इंक्रीज़ किया, यहाँ से हमने थोड़ा रेड बढ़ाया। उसके बाद हाइलाइट देखेंगे, इसके हाइलाइट्स में हम क्या कर सकते हैं। तो इसके फेस पे हमारा जो है ऑरेंज थोड़ा सा लाने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ से इसके लाइट सेट करेंगे। ये आई थिंक हमारी जेलिन हो गई है इस इमेज के अंदर। ये देखें, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। इसके बाद लेकिन अभी भी ये अधूरी है, क्योंकि इसके अंदर अगर पीछे लाइट होती है तो जाहिर सी बात है कि साइडों से इसके लाइट का इफेक्ट भी आता है। तो इसका इफेक्ट करने के लिए हम वापस इस इमेज पे आएंगे और एक नई लेयर क्रिएट करेंगे, एक नई लेयर। तो इसके बाद फिर हम इसके बाद ब्रश टूल पे आए, और इसके बाद हमें करना क्या है, ब्रश लेने के बाद हम इसकी ओपेसिटी को तकरीबन 25 या 30 कर लेंगे, 25 कर लेते हैं आई थिंक। वो करने के बाद हम यहाँ से कलर पिक करते जाएंगे, जो जो कलर पीछे है वही कलर हम पिक करेंगे। ऑल्ट, जब हम ऑल्ट क्लिक करते हैं, ऑल्ट दबा के रखते हैं, तो हमारा पीछे का कलर जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से, आई टूल आ जाता है। तो ये स्लो स्लो हम इसके यहाँ पर साइड एजेस के ऊपर हम इस पर ये कलर कर देंगे, ताकि हम इसके अंदर जेलिन कर सकें इसको। यहाँ से रेड कलर किया फेस पे, शोल्डर्स पे, यहाँ से ऑरेंज येलो कलर किया, और ये स्लो 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 हमने यहाँ पर कलर इसके कर दिया, ताकि ये वन टोन इमेज के लगे हमें, इसकी हल्की हल्की लाइट इफेक्ट इसके यहाँ पर आ जाए। जब हमने ये कर लिया तो ये उसके बाद फिर हम इसको करेंगे स्क्रीन, ब्लेंडिंग मोड में जाके हम इसको स्क्रीन करेंगे। तो लेकिन ये हो तो रहा है लेकिन ज़्यादा हो गया, तो इसकी ओपेसिटी हम कम करेंगे, देखेंगे कि हमें कहाँ तक सही लग रहा है। तो आई थिंक मैं इसको 40 कर देता हूँ, तो 40 में थोड़ा रियल फील आ रहा है। तो ये इमेज हमारी रेडी है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं आप। और अगर आपको इसकी PhD चाहिए तो काइंडली अपनी पर्सनल ID मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करें। थैंक यू वेरी मच।